हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखी होंगे। हम लोग कल गए थे इनोवा हाई क्रॉस टोयोटा की देखने, और उससे एक दिन पहले हम लोग गए थे XL6 देखने। अभी दोस्तों के बोलने पे शायद हम लोग स्कोडा भी जाने वाले हैं। तो शार्क फाइव सीटर की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलो एक बार जाके देख भी लेते हैं कि कुशाक मोंटे कार्लो या फिर नॉर्मल एडिशन स्कोडा कुशाक कैसी है, क्या फीचर्स है। थोड़ा सी वीडियो बनाएंगे, शायद वहाँ वीडियो निकालना अलाउड तो है नहीं, लेकिन देखते हैं वहाँ वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। उसका इंटीरियर एक्सटीरियर का वीडियो बना लेंगे और पोस्ट करते हैं यूट्यूब पे, फिर देखते हैं डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो मिलते हैं आपको स्कोडा के शोरूम में, जो सिचुएटेड है एट्रिया मॉल के सामने, हाजी अली के पास। अगर आप वेस्टर्न साइड से आ रहे हो तो आपको वर्ली होते हुए आना पड़ेगा, और अगर आप बॉम्बे के साउथ मुंबई से आ रहे हो तो आपको हाजी अली का रास्ता मारते हुए, बॉम्बे सेंट्रल मारते हुए, हाजी अली मारते हुए एट्रिया मॉल को आना पड़ेगा। वहाँ पर आपको स्कोडा का शोरूम मिल जाएगा, फिर देखेंगे बाद में वॉक्स वैगन भी। चलो मिलते हैं आपको स्कोडा के शोरूम पे। तो हाय गाइस, हम लोग पहुँच गए स्कोडा के शोरूम में। ये आपके सामने गाड़ी दिख रही है आपको, ये है मोंटे कार्लो स्कोडा की, स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो लिमिटेड एडिशन। इसका पूरा अंदर का इंटीरियर पूरा रेड में आपको दिखेगा, ब्लैक एंड रेड में स्पोर्ट्स थीम में आपको सीट कवर दिखेगा। ये आपका स्टेयरिंग ऑडियो कंट्रोल माउंटेड कंट्रोल विथ एवरीथिंग आपको सब मिलेगा इसमें। ये प्रिफरेंस स्टार्ट, जिसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है। मोंटे कार्लो में टॉप मॉडल में ओनली आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल ही मिलेगा। इसका टचस्क्रीन सिस्टम, इसका रेड एंड ब्लैक इंटीरियर जो एकदम सॉलिड और स्पोर्ट्स लुक देता है अपनी गाड़ी को, इसको बोलेगा आप मिनी हैचबैक। अब इसका अंदर से पूरा इंटीरियर देख सकते हैं, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड। ये आपका पावर स्टेयरिंग कंट्रोल, इसका आपका पावर विंडो आ जाएगा। एवरीथिंग से बैक साइड का है, आप देख सकते हैं ब्लैक एंड रेड इंटीरियर के साथ में, एज जैसा आगे तरह से पीछे भी रहेगा। इसमें आपको कुछ इंटीरियर में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पिछका है रिसीविंड, इसका आर्मरेस्ट या आगे आपको फ्रंट लुक देख सकते हो उसके अंदर, रेड एंड ब्लैक थीम में। टचस्क्रीन सिस्टम 10.9 और 11 इंच का, ये पैनोरामिक सनरूफ नहीं बोलेंगे, ये नॉर्मल सनरूफ है गाड़ी का। आइए इसके बाहर का अच्छा दिखते हैं, कुछ को मोंटे कार्लो की आपको बैजिंग मिल जाएगी देखने के लिए। इसकी मोंटे कार्लो की बैजिंग, इसमें R17 का आपको टायर का व्हील बेस मिल जाएगा, इसमें एक्विल के साथ 35-40 लीटर सी टैंक की कैपेसिटी है। ये पीछे का रेयर लुक, टेल लाइट, इसका भी अब तक खोल के आप चेक कर सकते हैं। पीछे आपको रेयर वाइपर भी मिल जाएगा, ये ऊपर इसका सनरूफ, ये एंटीना, ये फ्रंट लुक से देख सकते हो आप इसको। छोटी सी वीडियो बनाने का तरीका ये तो कि वीडियो अलाउड नहीं है।